हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अमेजोन के बारे में मेरे पास क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आए जा रहे हैं और मेरे पास कुछ अपडेट नहीं था तो मैं उसके बारे में वीडियो नहीं बना रहा था। तो अब एक नई अपडेट आई है, इसके लिए मैं वीडियो आपके सामने लेके आ गया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा, जो भी मेरी वीडियोज पहली बार देख रहा है, मैं बोलना चाहूँगा मेरा नाम धीरज है, मैं एक शेफ हूँ और मैं होटल से रिलेटेड वीडियोज बनाता हूँ। तो ये मेरे बारे में था। बाकी जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को। Amazon, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया, Amazon दिवाली तक अपने कई बेंगलुरु से स्टार्ट करने वाला था और फिर न्यूज आई है कि वो दिसंबर एंड तक अब स्टार्ट कर देगा। इस समय में Amazon क्या कर रहा है, वो अभी खाली नहीं है, वो अभी कुछ और भी चीजों पे एस्पेक्ट पे काम कर रहा है। जो न्यूज़ है उसके अनुसार उसने अराउंड 1000 रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप्स कर दिया है, जो कि बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में है, जो कि उनकी मेन हमारी मेजर सिटीज़ हैं डिलीवरीज के लिए। इसके अलावा जिस रेस्टोरेंट्स के साथ उन्होंने टाई अप किया है उनको वो सप्लाई भी करेंगे आने वाले समय में, वहाँ के लिए ग्रोसरीज, कटलरीज, क्रोकरीज 365, आप कह सकते हैं जो भी एक रेस्टोरेंट को जरूरत होता है खाना बनाने के लिए, सप्लाई करने के लिए। तो ये अमेजोन के लिए एक नया मार्केट हो गया जहाँ पे वो रेस्टोरेंट्स को सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो जो ये सप्लाईज दे रहे हों, ग्रोसरी की, कटलरी, क्रोकरी, डिस्पोजेबल्स, सब कुछ, आटा, दाल, चावल, चीनी, कटलरी, तो उनको कुछ अफोर्डेबल रेट्स पे दे रहे हो। और हर कोई रेस्टोरेंट चाहेगा वो अमेजोन से ले, क्योंकि अमेजोन के पास सब कुछ अवेलेबल है, उनके पोर्टल पे पहला ही सब कुछ आप लोग खरीद सकते हैं। और इससे क्या होगा, जो डिलीवरी बॉयज होंगे उनको जो रेस्टोरेंट पे डिलीवरी करनी पड़ेगी, तो अमेजोन के लिए वहाँ पे फिर से जो डिलीवरी बॉयज के लिए वैकेंसीज आने वाली है, मैं यहाँ से भी कहूँगा। फिर जब वो रेस्टोरेंट से टाई अप करेंगे तो रेस्टोरेंट भी जो कम कमीशन देगा, तो ये रेस्टोरेंट के लिए, अमेजोन के लिए और डिलीवरी बॉयज के लिए सबके लिए ही खुशखबरी है। तो इंतजार करते हैं। जो खबर है कि आने वाले 3 या 4 महीने में दिसंबर के बाद, मतलब कि मार्च अप्रैल तक 7 से 8 हज़ार रेस्टोरेंट तक टाई अप हो जाएगा, तो ये बड़ी ही अच्छी न्यूज़ है। तो ये अलग तरीका एक मार्केट Amazon क्रिएट करने वाला है, जिसमें कि रेस्टोरेंट अपना सारा सामान सिर्फ Amazon से खरीदेंगे, Amazon ही उनकी फूड की डिलीवरी किसी और को देगा। तो पूरा एक Amazon ने 365 कम्प्लीटली रेस्टोरेंट को कैप्चर करने के लिए रेडी हो चुके हैं। हो सकता है कि इस जो ये नई जो टेक्निक ला रहे हैं, इस वजह से वो थोड़ा समय ले रहे हैं, तो सबके लिए अच्छी वाली बात है ये। एक आपने सुना होगा Zomato का एक प्रोग्राम है हाइपर प्योर के नाम से, जिसमें कि वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स या ऑर्गेनिक चिकन हो गया, ऑर्गेनिक चीज़ें उगाते हैं और वो रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करते हैं, जो कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। और ये सिर्फ एक सेगमेंट है, पर यहाँ पर Amazon हर सेगमेंट में एक रेस्टोरेंट या एक छोटा कोई क्लाउड किचन बोल लीजिए, उसको कुछ भी जरूरत है वो सब कुछ दे रहा है। तो एक रेस्टोरेंट वाला Amazon के पास ही जाएगा, एक तो उसको जो सामान है बिना किसी डिलीवरी चार्जेस के उसके रेस्टोरेंट तक मिलेगा, दूसरा उसके कमीशन्स कम होंगे क्योंकि वो रेस्टोरेंट को और Amazon को बिजनेस मिल रहा है। तो ये सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। साथ साथ अगर आपके दिमाग में, आपके मन में कुछ और क्वेश्चंस हैं किसी भी फील्ड को रिलेटेड, किसी फील्ड का मतलब कि होटल के अलग अलग सेगमेंट से रिलेटेड, तो मुझे जरूर लिखिएगा ताकि मैं उनका आगे जवाब दे सकूँ। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।